कि इस बार फिर किसी की सरकार, ये जो लोग बार बार नारा दे रहे हैं पुराना घिसा पिटा नारा, वो जान लें चार चरण के चुनाव के बाद और बांदा की ये जनता देखने के बाद अब दोबारा नहीं बनेगी सरकार। इस बार उन्होंने दिल्ली की खो दी है सरकार। बताओ, खो दी इन्होंने सरकार के नहीं खो दी? भाई घिसा पिटा नारा पुराना वाला क्या नारा लेकर के आए हैं बताओ हमारे बांदा के लोगों। लेकिन इस बार हमें भरोसा है किसानों पर, नौजवानों पर। अभी आए थे, सुनने में लगा है कि प्रधानमंत्री जी यहीं होकर के गए थे। बांदा के लोगों, आपने हिसाब किताब किया कि नहीं किया ये बताओ। उठाओ 2014 का हिसाब किताब उनका, 2014 का हिसाब किताब उठाइए। और आज 2019 हो गई, 5 साल के हमारे बुंदेलखंड और बांदा के लोगों को क्या क्या मिला है उसका हिसाब और आकलन करने का ये चुनाव है। क्या मिला आपको बताओ? और कह रहे हैं कि पानी की जगह हम जल संसाधन मंत्रालय बना देंगे, मंत्रालय बना देंगे। एक बार बीजेपी के लोगों ने गंगा साफ करने के लिए मंत्रालय बनाया था और इस बार जो मंत्रालय दिया था उनकी टिकट साफ कर दी। गंगा साफ नहीं हुई लेकिन उनकी टिकट साफ हो गई। बताओ झांसी से टिकट साफ हो गई कि नहीं हो गई? न जाने कौन सी मिलावट की थी इन्होंने, ये बात बाद में आएगी, अभी रुक जाओ। ये वाली बात सांड के संग आएगी, अभी रुक जाओ। न जाने कौन सी मिलावट की लोकसभा में। यहां के सांसद तो सबसे ज्यादा उत्कर्ष और सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त करने वाले सांसद थे, लोकसभा में मिलावट की और बताओ उनकी टिकट साफ कर दी। इस बार जो उत्कर्ष रहा हो लोकसभा में सबसे आगे उसको सम्मान दिया हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो मिलावट में भी न जाने क्या क्या मिला देते हैं, पता ही नहीं लगता है कि क्या मिला दिया इन्होंने। ये गठबंधन के बारे में न जाने क्या क्या कह रहे हैं। एक गठबंधन के बारे में कहते हैं ये महा मिलावट गठबंधन है, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं चार चरणों में जनता ने सहयोग किया है, मदद की है, ये महामिलावट वाला नहीं गठबंधन है, ये महापरिवर्तन वाला गठबंधन है। और ये महागठबंधन विचारों का है, ये दो दलों के विचारों का संगम हुआ है। कभी डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मिलकर के काम करना चाहते थे, समय ने मौका नहीं दिया, परिस्थिति नहीं बनी, दोनों लोग मिलकर के काम नहीं कर पाए। नेताजी और मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर के गठबंधन किया था, वो भी बहुत दिन नहीं चल पाया। लेकिन ये जो गठबंधन है, ये जो गठबंधन किया समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से मिलकर के, ये परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक न्याय वाला गठबंधन है। जिन्हें वर्षों से न्याय नहीं मिला है उन लोगों को न्याय दिलाने का भी गठबंधन है। वैसे तो वोटों की बौछार आपको पता लग गई होगी, वोट कैसे पड़े हैं, जो काम किए वो आज भी दिखाई दे रहे हैं, जनता को याद है आज भी। सड़कें बनना शुरू हो गया था, बिजली का इंतजाम शुरू हो गया, समाजवादी पेंशन भी मिलना शुरू हो गई थी हमारी माताओं बहनों को। और एक समय ऐसा था कि समाजवादियों ने नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं आगे
पढ़ाई कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें लैपटॉप भी बांट करके समाजवादियों ने दिखा दिया। बताओ, समाजवादी पेंशन बांटी थी कि नहीं बांटी थी समाजवादियों ने? और हमारे दिल्ली सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने समाजवादी पेंशन छीन ली। छिन गई कि नहीं छिन गई? इसलिए हम माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, अभी तो 500 रुपए दे रहे थे, दिल्ली में सरकार बनेगी और आने वाले समय में सरकार समाजवादी लोग बनाने जा रहे हैं और ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, ये 500 की जगह नहीं अब 3000 पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बताओ, लैपटॉप जो हमारे नौजवान थे जो पढ़ने जा रहे थे उन्हें लैपटॉप बांट करके दिखाया समाजवादियों ने, और जिन गांव में उस समय हमने दिया था, अगर आज होगा उस गांव में तो आज भी आपका लैपटॉप चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ है। बताओ, जो उस समय का मिला हुआ लैपटॉप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे बीजेपी के लोग ने और बाबा मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया था कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएंगे। बताओ, किसी नौजवान को लैपटॉप दिया हो बीजेपी वालों ने तो बताओ हमें? और नौजवानों इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते।